हो भैया, का हाल बा? चिराग के सर्टिफिकेट का यही हाल बा। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये विजन है कि आप 420 सिखाइए, आप झूठ बोलना सिखाइए। राम राज में हनुमान को डर काहे, शेर तो खुले में दहाड़ना। अगर शेर को इतना ही डर है तो उसे दिल्ली के टाइगर हिल में बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे हाथ हिलाते हुए कहते आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। देखिए, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मैं नौमी फेल हूं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई बार अपनी मंशा को स्पष्ट कर चुकी है, और ऐसे में चिराग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया गेम प्लान किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पासवान जी, चिराग पासवान को अब जेड प्लस सुरक्षा मिली है, आप अक्सर उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इस बार जेड प्लस सुरक्षा पर आपकी क्या राय है? सुनने में आया कि आप जेड प्लस सुरक्षा को लेकर चिराग को समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा उनके साथ धोखा कर रही है। मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप लोग को एक समझिए कि व्यंग ही है, और ये शेरो शायरी की तरफ बता देते हैं कि राम राज में हनुमान को डर काहे का, राम राज में हनुमान को डर काहे, शेर तो खुले में दहाड़ना पसंद करता है। अगर शेर को इतना ही डर है तो उसे दिल्ली के टाइगर हिल में बंद कर दिया जाना चाहिए। और ये जो भाजपा के द्वारा एक छोटे बच्चे को लॉलीपॉप लेमन चूस जो थमाया गया है साहब, वो उसमें चिराग पासवान फंस चुके हैं। और चिराग पासवान अपने निहित स्वार्थ में बिहार के 13 करोड़ आवाम, जो 52% युवा नौजवान बेरोजगार है, जो उनके समाज के बेटा लोग जो बेरोजगार है, दुसाह समाज से लोग, उनकी चिंता नहीं है, इनको मंत्री बनने की चिंता। उन्होंने कहा एयरपोर्ट पे आते ही कि मुझे सुरक्षा मिले या मंत्री बनूं, बिहार के 13 करोड़ आवाम को उससे क्या मतलब है। तो साहब, आपके पिता उसे ही बोला चिराग पासवान जी ने, उन्होंने उनका कहना यही है कि मंत्री बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पिताजी भी 50 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे। तो बिहार के युवा नौजवानों और उनके समाज का कल्याण नहीं हो पाया, उनकी जाति के लोग बेरोजगार रह गए, तो चिराग पासवान को भी मंत्री बनने से कोई बड़ा फर्क नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि चिराग पासवान मंत्री नहीं बनने जा रहे, इनको जेड सुरक्षा और ये विदेश यात्रा, ये लॉलीपॉप है, ये जुमला है मोदी साहब। आपने कहा कि बिहार में चिराग पासवान कुछ कर नहीं रहे हैं, उनका तो विजन ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आप जो इस नारे के साथ चल रहा है उसके लिए इस तरह की बात आप कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक ही विजन है, चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट। चिराग फर्स्ट परिवार फर्स्ट में यही है कि हम और हमारा परिवार जी, ना कि और कोई दूसरा गरीब शोषित दलित समाज का कोई बेटा उनके बराबरी में आके बात करे। जिस तरह से मैंने उनको सही आईना दिखाने का काम किया, जो राष्ट्रीय चैनल पे वो झूठ बोलने का काम किया अपने हलफनामा के अकॉर्डिंग, तो वो भी बात मैंने सार्वजनिक रूप से सामने लाया, देश के सामने और बिहार के सामने। उन्होंने क्या झूठ बोला, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं चिराग ने झूठ बोला। सर ये बताइए सनी जी कि जो चिराग पासवान जी, चाहे मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, मैं जो हलफनामा में 2014 के लोकसभा में दिया वही 19 में भी कंटिन्यू किया। और आप अभी 5 दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से झूठ बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कि उनके समाज के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे हुए नहीं, अशिक्षित है बेचारे लोग, अबोध है। तो ऐसे हाथ हिलाते हुए कहते आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो उससे कंपेयर कीजिए, वेयर इज योर बीटेक डिग्री। आप बोलते हैं तो सार्वजनिक कीजिए 13 करोड़ आवाम के सामने। तो मेरा ये नहीं करना है कि उनका डिग्री फेक है, डिग्री नकली है, ये नहीं कर रहा हूं। तो आप तेजस्वी के साथ खड़े कर रहे हैं कि फर्जी डिग्री लगा के काम कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मैं 9वीं फेल हूं, 10वीं फेल हूं। तो साहब ये बताइए कि इनको बोलने में क्या हर्ज है। ये 98 में मैट्रिक किया चिराग पासवान, 1998 में मैट्रिक किया, अच्छा स्टूडेंट रहता, 2 साल में पास कर जाता है, ये लगता है फेल करते गए। तो 5 साल बाद 2003 में इंटर करते हैं घर बैठे हुए ओपन से, फिर ये 2 साल बाद बीटेक करने जाते हैं 2005 में,
एक ही साल में साहब तीनों सेमेस्टर पास कर जाते हैं, वही 14 के हलफनामा में 19 के हलफनामा। तो ये बताइए कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो तो तेजस्वी यादव तो बोल रहा है ना, वो बोल रहे हैं कि हम हैं, मेरी एकेडमिक बढ़िया नहीं रहा है, तो आपको शर्म काहे का है? तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये विजन है कि आप 420 सिखाइए, आप झूठ बोलना सिखाइए, ये नहीं चलेगा। हम जैसे लोग हर एक भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, भोजपुरी में हो, मैथिली में हो, मगही में हो, और बोलने के लिए हम यहाँ पे समाजवाद, अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप गरीब जनता को हिंदी में समझा दीजिए, हर एक भाषा में हम सनी जी समझा सकते हैं, हर एक भाषा में। का हो भैया, का हाल बा, चिराग के सर्टिफिकेट का ये हाल बा, हम ऐसे समझा सकते हैं। चिराग पासवान को विदेश दौरे पर भेजा जा रहा है, मंत्री बनाने की भी चर्चा है, और विदेश में चिराग पासवान भी घूमते हुए नजर आए हैं, उनका भाषण भी आपने सुना है। क्या लगता है कि बिहार से उठा युवा इतना प्रतिभाशाली हो सकता है जो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है, और आप सवाल खड़े कर रहे हैं? आई एम वेरी थैंक्सफुल टू नरेंद्र मोदी जी, ही हैज गिवन टू चांस फॉर द फॉरेन ट्रिप ऑफ चिराग पासवान। हम भी थोड़ा अंग्रेजी बोलते हैं जी। आपको बता दूं कि मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मोदी सरकार को कि चिराग पासवान को उन्होंने एक अवसर दिया विदेश में बोलने का, घूमने का। लेकिन कैसे देश गए हैं? केनिया जैसे देश में गए हैं चिराग पासवान, जहाँ पे भारत की जनसंख्या से एक कोना है, 58 करोड़ जनसंख्या वहाँ का। आपको बता दूँ कि वहाँ भुखमरी ज़्यादा है, वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, वहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा है, वहाँ पे बेटियों की इज्जत आबरू ज़्यादातर लूटी जाती है, वो उस देश में गए हैं। तो क्या वही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मॉडल है? आप क्या बिहार के लिए लाएंगे, क्या देश के लिए लाएंगे वहाँ से? आपको जो जाना ही था तो जाते आप चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया साहब, वहाँ से न्यू मॉडल लाते। मेरे पास तो इतना विजन था कि पटना में जब पटना मेट्रो रेल का काम चल रहा था तो हमने एक आवाज उठाया कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए जी। और आज ये लोग झूठे लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे सनी बाबू। आपको बता दूं हाजीपुर की जनता समझ रही है, जान रही है जी। हाजीपुर की जनता समझ रही है, जान रही है। चर्चा है कि पशुपति पारस हाजीपुर से इस बार नहीं लड़ेंगे, हालांकि उनका एक ताजा बयान है कि नीतीश कुमार की सरकार 3 महीने चलेगी। देखिए ये लोग कितने दिन चलेंगे, ये चाचा भतीजा जिसकी कोई गारंटी नहीं है। पशुपति कुमार पारस जी को वहां के महान जनताओं ने, हाजीपुर की महान जनताओं ने उनको 5 साल के लिए अवसर दिया, किस्मत अच्छा था केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन इन 4 सालों में, अभी 1 साल बाकी है, इन 4 सालों में पशुपति कुमार पारस जी वहां के जनता को बता दें 4 काम कि उन्होंने काम ऐसे किए जो जनहित में हो। रामविलास पासवान ने काम किया ना हाजीपुर सर, रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने काम किया, क्या दिया? नेपेट दिया, सेपेट दिया, ब्रिटानिया नेपेट दिया, सेपेट दिया, होटल मैनेजमेंट दिया, यही 4 काम दिया। बस हाजीपुर रेलवे स्टेशन से सुबह ही ट्रेन का उद्घाटन हुआ, उसमें करोड़ों रुपया खर्च किए गए, क्यों नहीं हुआ? यहाँ जरुआ से 4 लाइन प्रस्तावित है, वो काम क्यों नहीं करवाए? ये हाजी रामविलास जी के पेंडिंग काम है जी, जो कि उनके भाई नहीं करा पाए। पेंडिंग काम को करने चिराग पासवान मैदान में उतर रहे हैं। ओके, जमुई में तो पहले करा लेते साहब। आपको बता दूं कि ये चाचा पशुपति कुमार पारस, फिर मैं चिराग पे आ रहा हूं, पशुपति कुमार पारस जी ने अभी अभी 3 दिन पहले गए थे जी, दिव्यांग भाइयों ने जी, वो जाते हैं एक मंत्री जी से मिलते हैं पशुपति कुमार पारस जी से, कहते हैं कि साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग को प्रॉमिस किए थे, वादा किए थे कि सभी प्रखंड में दिव्यांग भवन होगा। वो दिव्यांग भवन के मांग करने गए, उसके बदले जमीन मांग रहे थे मंत्री जी। तो ये बताइए पशुपति कुमार पारस और चाचा भतीजे का खेल किस तरह से खेला जा रहा है? मोदी का हनुमान हूँ तो ये लोग जो एक नकली शेर नकली भालू बन करके बिहार के आवाम को, हाजीपुर वैशाली जिला के आवाम को, जमुई के आवाम को ठगने का काम कर रहे हैं। शेर का आपने जिक्र किया, तो शेर और भालू का जिक्र किया, मतलब चाचा भतीजे के लिए जो कहते हैं ना शेर, तो शेर ऐसा नहीं होता, शेर मैदान में अकेला घूमता है साहब, अब भालू भी जंगल में अकेला घूमता है। अकेले मैदान में इस बार आने वाले हैं, हाजीपुर से आए ना, हम तैयार हैं, वहाँ की जनता तैयार है, हम तैयार हैं, वहाँ की जनता तैयार है, चाचा हो या भतीजा,
नकली शेर हो या नकली भालू, समझे, लड़ाई तो होगी इस बार इंजीनियर राजकुमार पासवान वर्सेज ये परिवारवाद और नकली शेर नकली भालू की। मतलब हाजीपुर से जबकि आप चिराग के सामने उतरेंगे। हमने काम किया साहब, हम काम किए हैं, हम सांसद एमएलए बनने के लिए ये कहते हैं लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां के क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा बेटा लोग वहां वैशाली जिला का बेटा लोग सब लोग अपना घर द्वार छोड़ करके अभी 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 जिक्र किया नेपेट सेपेट होटल मैनेजमेंट और ये साहब ये बताइए वहां पे और भी फैक्ट्री है, ये ब्रिटानिया है, पेप्सी कोला है, सुई का फैक्ट्री है, साइकिल का फैक्ट्री है, सर्फ एक्सेल का फैक्ट्री है, वहाँ पे वैशाली जिला के कितने बेटा लोग काम कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं लोकसभा में आवाज उठाते हैं। इनके भाई साहब चाहे चिराग के पिता साहब ने ये चार ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का यंत्र खुलवाया, वहां कितने बेटा लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, कोई एक मॉडल पेश नहीं किया। स्वर्गीय रामविलास जी का वही होटल मैनेजमेंट के सामने उन्होंने मूर्ति लगाया है, कितने बेटा लोग उस होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा है वहां वैशाली जिला का, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोलने का आपको बता दूं जिस तरह से दिव्यांगों को मान सम्मान पे ठेस पहुंचाया है, समझे, जमीन के नाम पे। ये राजकुमार पासवान वहां के वैशाली जिला के बिहार के दिव्यांगों के भी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ करके हम वहां पे भवन बनवाने का काम करेंगे, नहीं करेंगे तो पशुपति कुमार पारस जी के दरवाजे पे हम दिव्यांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। पशुपति पारस के दरवाजे पे जाएंगे राजकुमार पासवान और इसके पहले भी हाजीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार फिर से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने जो सिक्योरिटी दी है, चिराग को बाहर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है भारतीय डेलीगेशन के साथ, तो इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को लॉलीपॉप दे रही है और ऐसे ही 2024 तक चिराग को भाजपा अपने साथ रखेगी। जी हाँ, लेकिन चिराग पासवान ने एक चीज और, ये सुबह उठ करके नीतीश कुमार से सवाल करते हैं, सनी जी ये देश के युवा नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब से सवाल क्यों नहीं करते हैं, ये देश में जो महंगाई का आलम है मोदी साहब से सवाल क्यों नहीं करते हैं, ये जो आज देश की कुव्यवस्था है उस पे सवाल क्यों नहीं करते हैं, वह ये गुजरात में शराब से मारे जाते हैं, जहरीली शराब पी करके लोग मरते हैं, तो गुजरात सरकार से सवाल क्यों नहीं करते चिराग पासवान, उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लोग मारे जाते हैं मरते हैं तो उस पे सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं, तो भाजपा शासित सरकार में इनकी आवाज नहीं निकलती, चू तक नहीं निकलती है, चिराग पासवान का मुंह पे ताला लगा के बैठे रहते हैं, नमो मोदी नमो मोदी नमो मोदी करने में रहते हैं, मैं मोदी का हनुमान है इससे नहीं चलेगा बिहार। बिहार एक स्टेट्समैन चाहिए, एक अच्छे नेतृत्व चाहिए, एजेंट नहीं चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में चिराग हैं, भाजपा से सवाल नहीं करते हैं, देश में महंगाई बेरोजगारी अहम मुद्दा है और ऐसे में आने वाले दिनों में 24 की जो तैयारी है लगातार शुरू हो चुकी है, चिराग पासवान भी तैयारी कर रहे हैं, राजकुमार पासवान भी तैयारी कर रहे हैं, अब देखना होगा हाजीपुर में जंग कैसी होती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।